अच्छा आदमी था, व्यापारी आदमी था, रोज हमारे साथ ही उठने बैठने वाला आदमी था। तब ये अचानक क्या हुआ कुछ पता नहीं। कितने सालों की पहचान हुई आपकी? हमारी 10-15 साल से बिल्डिंग में आए तब से। सब लोगों के साथ अच्छा मिलने वाला आदमी था, अच्छा आदमी था, सिंपल आदमी था। आखिरी मुलाकात कभी रही आपकी? मेरे साथ रोज वॉकिंग करते थे वो रात को। तो 5-6 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि मुंबई जाने के टाइम मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, तो मैंने रास्ते में छोड़ दिया आयरोली ब्रिज के पास, और वहाँ से मैं वो ऊबर टैक्सी लेके बॉम्बे गया और वापस आया। सेकेंड डे गया तो मेरा गाड़ी नहीं था, वहाँ पे चोरी हो गया। तो उसका उसने कोई कंप्लेंट दिया था। कंप्लेंट देने के बाद में फिर वो आगे का तो सब आप लोगों को मालूम ही, ये सब चल रहा था। अभी आज न्यूज़ आया है कि भाई बॉडी मिला है, तो इससे क्या है, पूरा सोसाइटी के सब लोग शॉक हो गए, और ये एकदम अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ हो गया। सर, लास्ट आपकी जो बातचीत हुई थी उनके साथ में, तो क्या मतलब, तो डर, क्या परेशान थे, किस तरीके से वो अपने बता रहे, क्या बता रहे थे, क्या शेयर कर रहे थे, क्या तकलीफ में जा रहे थे, कुछ बात कर रहे थे? लास्ट उन्होंने वही बोला कि भाई मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, वहाँ पे मुझे 6-6 घंटा बिठा रहे, और उनका थोड़ा ऐसा चेहरा उतरा हुआ था। अभी व्यापारी आदमी था, सीधा आदमी था, ऐसा कोई गलत आदमी नहीं था। पर वो कह रहे थे कि 6-6 घंटा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उससे परेशान हो रहे थे। नहीं, परेशान वगैरह का ऐसा उन्होंने मतलब बताया अभी कि मेरा रूटीन, अभी मैंने उनको पूछा था कि भाई वो जो मैटर हुआ उसमें क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, इस तरह से उन्होंने बोला था। वो प्रेशर में था। अभी सर उनके मन का स्थिति तो अपन नहीं जान सकते, उनको क्या था वो, अभी क्या है, अपन बोलना भी कुछ गलत हो जाएगा। सर, उनकी फैमिली में बैकग्राउंड क्या है? फैमिली कितनी फैमिली में? देखिए, फैमिली अच्छा फैमिली है उनका, तीन लड़के हैं, सीधा साधा आदमी है, बेचारे का अच्छा खासा घर है ना, उसका घर उध्वस्त हो गया क्या। अभी इसके पीछे वजह कौन है क्या, इसके पीछे वजह कौन है क्या है, वो चीज़ अलग है, मगर कैसा है, बेचारा एक नॉर्मल जीने वाला लाइफ जीने वाला आदमी है ना, उसका लाइफ बर्बाद हो गया, पूरा घर भी बर्बाद हो गया।